अधिकारी ने जल निकासी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान का लिया जायजा। स्टेशन चौक से नगर निगम कार्यालय तक अनरी चंद्री पुल, पादरी दुसैया, बानु छापर, रेलवे गुमटी के समीप जल निकासी हेतु किए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम बेतिया द्वारा युद्ध स्तर पर नाला उड़ाही का कार्य कराया जा रहा है। नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। नाला उड़ाई एवं नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी, पोकलैन, बॉबकट आदि मशीनों सहित पर्याप्त संख्या में मानव बल को लगाया गया है, ताकि आसन्न बरसात के मौसम में शहरवासियों को जल जमाव की समस्या से जूझना न पड़े। नालों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है। निर्धारित अवधि के उपरांत नालों पर से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पेनाल्टी के साथ नियमानुकूल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पूरी टीम के साथ नाला उड़ाही एवं नालों से अतिक्रमण हटाने के कार्य का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा नगर निगम अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर जल निकासी हेतु किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा पूरी टीम के साथ सबसे पहले स्टेशन चौक से समाहरणालय के पीछे होते हुए नगर निगम कार्यालय तक चल रहे नाला उड़ाही कार्य का निरीक्षण किया गया। यहां से अनरी चंद्री पुल, पादरी दुसैया के समीप पुराने पुलिया का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही बानु छापर, रेलवे गुमटी के समीप आदि जगहों का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्टेशन चौक से नगर निगम कार्यालय तक नाला के बगल में अच्छी तरह से मिट्टी भराई का कार्य कराया जाए। मिट्टी भराई करने के उपरांत लेमन ग्राम आदि पौधों का रोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि नालों की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाए, जगह जगह वेंटों की भी समुचित सफाई तरीके से कराई जाए। पादरी दुसैया के समीप पुराने पुलिया का जायजा लेने के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पानी का बहाव अवरुद्ध नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। बानु छापर क्षेत्र का पानी कैसे निकले, इस पर चर्चा करते हुए चीनी मिल गोदाम के समीप नाले का मुहाना खोलने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। अनरी चंद्री पुल निरीक्षण के क्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से जिलाधिकारी ने कहा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे। निरीक्षण के क्रम में SDM बेतिया विनोद कुमार, ASDM अनिल कुमार, SDPO बेतिया मुकुल परिमल पांडे, आयुक्त नगर निगम बेतिया लक्ष्मण कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज 9 टाइम्स। आप लोगों ने देखा होगा विगत जो है बरसात में शहर 3 बार डूबा। हम लोगों ने इसका कारण जानने की कोशिश किया कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से जल जमाव होता है, शहर डूबता है। तो इस पर हम लोगों ने जो है लंबे समय से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था कि किस रूप में हम लोग सफाई जो है कराएं और करा करके शहर के पानी को जो निकालें। इसी क्रम में विभागीय निदेश भी है और हमारे प्रशासक जो भी जिला पदाधिकारी महोदय हैं, इनका भी डायरेक्शन था कि बरसात के पूर्व शहर के मुख्य नालों की सफाई करानी है। अभी हमारे यहाँ बोर्ड है नहीं, प्रशासक के रूप में जो है जिला पदाधिकारी महोदय हैं, कार्य ऐसे ही वो जो है वर्कलोड से जो भरे हुए हैं, तो सारी जवाबदेही उनका जो गाइडलाइन मिलता है, जो निर्देश मिलता है, जो आदेश मिलता है, उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि किस रूप में इसकी सफाई कराई जाए। मैनुअल लेबर से हम लोग सफाई कराते तो फिर कचरा बाहर फेंकने का कोई, बाहर निकालने का कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग बनी हुई थी। तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं मुख्य नाला में, मुख्य नाला जो नाली के रूप में तब्दील हो गया है, उसमें रास्ता बना करके हम लोग पोकलैन और JCB लगाएं और उसके पूरे मलबे को हम लोग बाहर निकालें। और इसमें सफलता भी मिली, इसमें बहुत सारा इंक्रोचमेंट था।